अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल और मैं हूं मोहम्मद शबीर रंजन ममान। तो आज हमारे पास ये LED आई है, ये है सैमसंग की। और इसमें जो मसला है, इसकी फ्रंट डिस्प्ले नहीं शो हो रही, लाइट इसकी ऑन हो रही है लेकिन डिस्प्ले शो नहीं हो रही। जैसे ये मैंने ऑन किया ऐसे, अभी आप इसका साउंड चेक करेंगे, ये साउंड आ गया लेकिन इसकी डिस्प्ले नहीं आ रही थी, खाली लाइट थी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये है टिकन। पैनल का फॉल्ट जो है ये तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले आपने पैनल को चेक कर, ऐसे टिकन को चेक करना है। ये नीले वाला टिकन जो है, सबज वाले तो हम चलते हैं, ये नीले वाला है। इसके आपने वोल्ट चेक करने हैं कि VGH हो गया और VL वोल्ट हो गया, ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पर चेक करने हैं कि हमारे वोल्ट पूरे हैं या नहीं। तो इसके जो थे वोल्टेज, वो ना VGL पे आ रहे थे और ना ही VGH पे आ रहे थे। और जब तक कि यहाँ पे ये TPI वोल्टेज नहीं आया, ये 1.20 यहाँ वोल्ट आने चाहिए, जो मैंने अभी ओके कर दिए हैं। इसका PF दोनों शॉर्ट थे, वो मैंने निकाले। और यहाँ आप देखिए, अभी आपको वोल्टेज में चेक करवाता हूँ, ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वोल्ट आ रहा है। यहाँ जब तक आपके वोल्ट ये 1.7 वोल्ट नहीं आएंगे और यहाँ पे VGH पे वोल्ट नहीं बनेंगे, VGL, ये VGL पे वोल्ट आ रहे हैं और बाकी VGH पे जो वोल्ट हैं वो भी अभी क्लियर मैंने कर दिए हैं। यहाँ पे आ रहे हैं वोल्टेज, ये पॉइंट है, ये तकरीबन 30 वोल्ट बनते हैं। कोई कंपनी 28 बनाती है, कोई 26 होती है, ये 32 है। यानी इसका कोई मसला नहीं है कि 5 वोल्ट ज़्यादा हैं या कम है, ये VGH वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक हो गया। मसला कहाँ पे था, मसला यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ 1.20 या 1.7 वोल्ट नहीं बनेंगे तो आपके ना VGL वोल्ट बनेंगे और ना ये बनेंगे, यहाँ से वीडियो आउट नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है, कहीं हमारे दोस्त ऐसे हैं कि वो एक पट्टी उतारते हैं फिर तस्वीर आ जाए, ये पट्टी नहीं आती इसे लगाते हैं फिर दूसरी चेक करते हैं, दूसरी उतार के फिर चेक करते हैं फिर भी नहीं आती। तो इसका मतलब है कि आपका पैनल दुरुस्त है, आपका ये बोर्ड का मसला है। पहले आपने जो है ना VGH वोल्ट चेक करना है, फिर उसके बाद VGL चेक करने है। अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो मेन ये IC प्रोसेसर IC है, मीडिया टैग का लगा हुआ है, इसे चेक करें। इसे चेक करने के लिए कि यहाँ पर ये जो स्टेज इसकी है, ये इसके 1.20 वोल्ट की है, यानी 1.20 वोल्ट भी आते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई भी PF नॉन पोलर है, अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ वोल्ट नहीं बनेंगे, टोटली तौर से ये स्टेज बंद होगी और साथ ये स्टेज भी आपकी बंद होगी। अभी ये स्टेज सारी चालू कर दी, अगर यहाँ पे भी वोल्ट आपके नहीं आ रहा है, यहाँ नेगेटिव वोल्ट बनने चाहिए, ये वोल्टेज है, यहाँ कितने बनने चाहिए, यहाँ पे बनने चाहिए नेगेटिव वोल्ट, यानी 9.0 बनने चाहिए, 9 वोल्ट बनने चाहिए नेगेटिव, और यहाँ पे बनने चाहिए 14 वोल्ट, ये भी नेगेटिव ही हैं। बाकी जो वोल्ट हैं, क्योंकि यहाँ वोल्ट लिखे हुए नहीं हैं, इतना तजर्बा होना चाहिए कि ये याद होना चाहिए कि भाई यहाँ पे वोल्ट इतने आने चाहिए। तो ये था इसका मसला जो मैंने हल किया है और ये क्लियर हो गई है। अभी मैं इसकी आपको पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, मोनोग्राम भी। ये आप देख रहे हैं, ये डैमेज थे, ये मैंने निकाल दिए, ये शॉर्ट हो गए थे। अभी आप देख रहे हैं ये इसका आ गया है मोनोग्राम, ये जो प्रॉब्लम है ये तो अलग है, लेकिन हमारा सेट जो है वो ऑन हो गया। जो मसला इसका था, वो इसकी प्रॉब्लम जो थी वो मैंने सॉल्व कर दिया, अभी ओके है। मज़ीद इसका जो है, इसकी वॉश वगैरह कर लेंगे। और इसमें जो मसला है, लाइनें आ रही हैं, ये भी अभी थिनर से साफ करना, ये भी साफ़ करेंगे। ये कफ लगे हुए हैं ना, ये चार चार कफ हैं, 1, 2, 3, 4, यानी चार इस तरफ कफ हैं और चार, इन कफ़ों को मैंने चेक करना है बाद में, लेकिन जो मसला था वो हमने क्लियर कर दिया। ये इसका सिस्टम बोर्ड है, आप देख रहे हैं, ये सिस्टम बोर्ड है। और इसका आ जाते हैं, ये पावर बोर्ड है, यहाँ से 220 जाती है और यहाँ से आपके वोल्ट आने हैं 13 वोल्ट, 9 वोल्ट यहाँ से प्लेटे होते हुए यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से VGA केबल यहाँ आएगी। ये आपने पहले डिसाइड करना है, यहाँ पे VGH लिखा हुआ है, ये VGL लिखा हुआ है,
ये वोल्ट चेक करें, अगर ये वोल्ट कंप्लीट आ रहे हैं तो फिर ये आगे वाला मसला आपने चेक, अगर यहाँ ही वोल्ट नहीं आ रहा है, ये पैनल काम ही नहीं कर रहा, तो आगे आप कहाँ जाएंगे? तो इसलिए पहले इसे आप टिकन को क्लियर करें, उसके बाद आगे आप जाएं। तो ये था इसका मसला जो मैंने क्लियर करके आपको शेयर कर दिया है। ये यहाँ से देखें अभी लाइट ऑन हो रही है, लाइट जल रही है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों से शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।